नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत कुमार और आपने क्लिक किया अपने YouTube चैनल बॉलीवुड ब्लंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बॉबी देओल के भतीजे और सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल के बारे में। जी हां, जैसा कि आपको मालूम है कि करण देओल की फिल्म जल्द ही आने वाली है। जी हां, जुलाई में रिलीज होने वाली है, 19 जुलाई को। फिल्म का नाम है पल पल दिल के पास है। वैसे मैं पहले वाले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि करण देओल की फिल्म कब आने वाली है। इस वीडियो में मैं ये खास बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो टाइटल है पल पल दिल के पास है, ये फिल्म ब्लैकमेल, याद होगा आपको कि जो धर्मेंद्र हैं यानी करण देओल के दादा धर्मेंद्र साहब के ऊपर फिल्माया गया था और उसमें हीरोइन थी राखी जी। और ये जो पल पल दिल के पास का जो ट्रैक है, इसे फिर से रीमेक किया जा रहा है और ये मुंबई में ही शूट किया जा रहा है। आपको बता रहा हूँ कि फिर से मतलब कि आप नए मूड के हिसाब से, नए जनरेशन के हिसाब से इस गाने को आप सुनेंगे इस फिल्म में। तो जैसा कि आपको बता दूं कि ये देओल फैमिली का ये फेवरेट गाना है। खुद धर्मेंद्र साहब का ये गाना पल पल दिल के पास तुम रहती हो ये फेवरेट है। बॉबी देओल और सनी देओल के भी फेवरेट फिल्म है। जब ये चर्चा हुई कि भाई कौन सी फिल्म से लॉन्च किया जाए और क्या नाम होना चाहिए, तो इससे बेहतर नाम किसी भी को नहीं सुझा, तो फटाक से ये नाम रजिस्टर करवाया गया और करण देओल की लॉन्चिंग शुरू हो गई। आपको बता दें कि ये सारी जो शूटिंग है मनाली में हो चुकी है। फिल्म का आखिरी शेड्यूल चल रहा है और मुंबई में इसका सेट लग चुका है और ये गाना रिक्रिएट किया जा रहा है करण देओल और शहर बांबा के ऊपर। शहर बांबा को मैंने पहले वाले भी वीडियो में बताया कि इस फिल्म में ये मुख्य भूमिका निभा रही है करण देओल के अपोजिट। इसे देश भर के तमाम 20,000 लड़कियों के बीच में चुना गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आपको करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।